ठीक कैसे होंगे? नेचर होती है इस तरह बाउल खींचने की, वो देखिए क्यों रो रहे हो? सब आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक है। अभी अभी मैं फ्री हुई हूँ और मैंने अपने दोनों चैनल पर मैंने व्लॉग्स अपलोड कर दिए हैं, कैट्स प्लैनेट पर भी, रिदा फुदैल पे भी। अच्छा, रिदा फुदैल व्लॉग्स पे अब हमारे व्लॉग्स आने लगे हैं, सिर्फ रेसिपी नहीं होती व्लॉग भी होता है। तो अगर आपने नहीं देखा तो जाएं और जाके फौरन से देखें। और यहाँ पे जी फुदैल पीछे बैठे हुए हैं और फुजैल भी कोई ब्लॉग ही देख रहे हैं, पता नहीं कौन से चैनल का देख रहे हैं। तो मैंने दी अब बनाना है अपना लंच, सो या चलते हैं किचन में और अपना काम करते हैं। साशी साशी क्या कर ली हो? हाँ क्यों कर ली हो? मामा की चाची, आप कौन सा व्लॉग देख रहे हो, कैट्स प्लैनेट वाला या रिदा फुदैल वाला? अच्छा, अभी अभी मैंने अपलोड किया है ना, थोड़ी देर ही हुई है अभी। चाची चले आप चलते हैं जी, अपने काम करते हैं, घर भी क्लीन है बिल्कुल। आज हम लोग लंच में खाने लगे हैं नूडल्स, और ये कनोर नूडल्स हैं, ये फुदैल बना के लाए हैं। और ये आपको रेड रेड इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हमने रेमियन सॉस डाली है, जो रोमन नूडल्स वाली सॉस होती है वो डाली है। और वो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा लग रहा था कि हम लोग रोमन नूडल्स खा रहे हैं, इतने यमी इतने मज़े के लग रहे थे। और मेरी ये सॉस ख़त्म हो गई है, तो मैं फुदैल को ये कह रही थी कि ये तो हमें इसकी एडिक्शन हो चुकी है सॉस की, तो अब मैं इसको ना दोबारा से ना, पहले तो निदा ने ऑर्डर किया था, अब मैं भी इसको ऑर्डर कर लूँगी। और साथ में कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, सो इसके बाद फिर हम चाय पियेंगे शाम की। जी अब हमने रेमियन नूडल अभी खाए हैं और अब हम चाय पीने लगे हैं दोपहर की। उसके बाद थोड़ी सी वॉक करने जाएंगे और फिर रात को ही खाना खाएंगे। दोपहर को खाना नहीं खाया, आपको मैं दिखाता हूँ मेरा हमारे साथ कौन सा बच्चा, हम डेली एक बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ हमारे साथ कौन सा बच्चा है। अच्छा आज हमारे साथ साशा है। साशा ना कुछ साशा को हम खाने पीने के लिए दे रहे हैं। छोटी साशा हमारे साथ, देखिए जी छोटी साशा माशाल्लाह से आज हमारे साथ है। और छोटी साशा को कुछ ना कुछ मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद खाने को दे रहा हूँ। डेली कोई ना कोई बच्चा ना हमारे साथ होता है, डेली मैं उसको ऐसे ही ना हर दो तीन घंटे बाद कोई ना कोई ट्रीट देता हूँ, तो फिर वो बड़ा खुश होता है। साशा का डे है, कल बिरयानी का था, अब फिर कल किसी और का होगा। मेरे ना लिप्स अभी तक जल रहे हैं, अभी तक मेरे लिप्स जल रहे हैं। मेरे बहुत ज्यादा जल रहे थे, मैंने थोड़ी सी कोक पिया तो मुझे वो मिला। मुझे कोक से भी सुकून नहीं मिला, मुझे उसी से सुकून मिला। अब जाए ठीक कैसे होंगे? आहिस्ता ही होंगे, चाय गई आहिस्ता करो, वॉक पे चले, फिर शाम को थोड़ी देर बाद खाना बनाना। आटा गूंद लो, गूंद लो आटा। अच्छा आज तुमने साशा को बाहर निकाला है, तो कल किसे निकालेंगे? साशा जनाब कल से बाहर है। नहीं साशा का मैंने अंदर कर दी थी। नहीं कल भी हमारे साथ इसने बहुत टाइम गुजारा, किसी और बच्चे को निकालो, नहीं को निकालो। नूरी को निकालता हूँ, छोटी को निकाला था कल मैंने, छोटी नूरी को कल मैंने निकाला था। चाय देखो, चाय उबल गई होगी। हो गई मेरी चाय, रेडी हो गई है। दोपहर को चाय पीने में मजा ही अपना आता है ना। अब वैसे हम सोच रहे हैं कि हम ना चाय कम करते हैं, चाय छोड़ ही देते हैं हम। ये सोच रहे हैं
चाय को ना खत्म कर देते हैं, चाय वैसे भी अच्छी नहीं होती। क्या करें, नाना फिर जैसे हम लोग लंच करते हैं तो उसके बाद फिर होता है कि बस अब चाय मिल जाए अच्छी सी। रोज हम सोचते हैं कि अब हम चाय अपनी कम कर देंगे, रोज हम पीते हैं। ये लोग, ये ज्यादा वाली चाय आपकी है, ये चाय रेडी हो गई, चाय पीते हैं और फिर बार वॉक पे जाएंगे, फिर आपसे मिलेंगे। मेरे जिंदगी को तो ले आओ, चाय तो पी लो। किसी बच्चे को बाहर निकालते हैं, ये अंदर जाते हैं, अंदर सब सो रहे हैं, अंदर सब सो रहे हैं। बाहर से हुक्म ऑर्डर आया है कि किसको बाहर निकालना है, जिकी को। जिकी किधर है, जिकी जी किधर है, जिकी जी। मैंने कमरे की लाइट्स ऑफ की हुई है इसलिए ना। जिकी जी किधर है, ये तो मैथ जी हैं, ये तो मीनो है, ये वो है, ये वो है, ये वो है। मुझे सबके नाम आते हैं वैसे ना, वो देखें कौन है भला, हमारी बहुत ही प्यारी बेटी छोटी बिरयानी। दादा ओ ये कौन बाहर निकल आया, तुमने तो ऑर्डर तो जिकी का किया था, ये तो कोई और निकल आया। ये देखें जी, आपको सीन दिखाता हूँ, कुछ है ही नहीं अंदर पागल बच्चों। तीनों तीनों खेंच रहे हैं ना एक दूसरे से। दीदी दादा इसमें कुछ नहीं है दादू। अच्छा इस ना बाउल में मैं डालता हूँ सूप, फिर आपको दिखाऊंगा, फिर आप देखना। नहीं, नहीं, नीचे गिरा देंगे, पैर एकदम मचा देंगे। नहीं एक दूसरे से खींचते हैं, खींचते खींचते गिरा देंगे। ये जी मैंने बिस्किट लिए हैं, बिस्किट बाउल में डालूंगा और फिर दिखाऊंगा इनका आपको सीन। ये बाउल है, अब दादा ओ पीछे देखो लात मारी उसको खींच के। ओ देखो लात मारी है, छीना चपटी शुरू, छीना चपटी शुरू। ओ बिरयानी को ना, बिरयानी को पीछे कैसे करता है कि पीछे हो जाओ, दफा हो जाओ। इन्होंने ना खाना खा लिया है, सब ने खाना खाया है, इनका पेट फुल है। ये वैसे ही बच्चस्का, मैंने आपको वीडियो बना रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह कैट्स की नेचर होती है, इस तरह बाउल खींचने की। वो देखिए वो खींच के ले गया, ये मफू ने खींच लिया, अब मफू ने नीचे गिरा दिया कि ये मुसीबत ख़त्म ही हो, बाउल खींचने वाली जान छूटे। मफू ने ना जिकी कैसे खींचता है, जिकी कैसे खींचता है, कभी मैं बताता हूँ तुम्हें। बिरयानी आपको तो फायदा हो गया, आपको तो फायदा हो गया, बिरयानी जी का फायदा हो गया। मफू ने नीचे गिरा दिए बिस्किट्स, अब बिरयानी आराम से खा रही है और वो दोनों अहमक इंसान लड़े जा रहे हैं। कल ना हमें एक बड़ा डिस्टर्बिंग एक कमेंट रिसीव हुआ है, वो था आमना गुलरेज का। तो ऐसे ना पहले भी कई दफ़ा कमेंट्स आ चुके हैं मुझे, तो उन्होंने बोला कि हमारी कैट ने कल बेबीज़ डिलीवर किए, फर्स्ट टाइम बेबीज़ डिलीवर किए और वो बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन उनका जो मेल कैट था वो एक पूरा बच्चा खा गया और एक बच्चे का वो सर खा गया। और भी मुझे पहले कई कमेंट्स आए हैं, किसी ने लिखा था कि उनकी कैट ने सारे ही बच्चे खा लिए, मदर नहीं खा रही है ना, ये बहुत कॉमन चीज़ होती है कैट्स में। तो मैं इस चीज़ का रिप्लाई ये देना चाहूँगी कि देखें जब एक बच्चा पैदा होता है ना, कैट्स जो होते हैं चाहे मेल हो फीमेल हो मदर हो या फादर हो, उनको ना अकल नहीं होती है, वो समझते हैं जब बीबी पैदा होता है उसके ऊपर ना ब्लड बहुत ज़्यादा एक तो लगा होता है, और जो प्लेसेंटा रिमूव करती है ना कैट हर बेबी के साथ, तो कभी कभी तो ये होता है कि मदर उस प्लेसेंटा को खाते खाते उसको पता नहीं चलता वो बच्चे को भी खा जाती है, क्योंकि उस पर ब्लड होता है, उसको लगता है कि ये इतना सॉफ्ट सा है, ब्लड से भरा हुआ है, तो ये गोश्त का टुकड़ा है हम खा जाएं। ऐसे ही मेल कैट के साथ होता है, ऐसे ही अगर आपके घर में कोई और किटन्स हैं या कोई और बड़ी कैट्स हैं तो वो भी ये काम कर सकती हैं। इसका बेस्ट हल क्या होता है,
कि आप अपनी कैट के ना डिलीवरी डेट का ख्याल रखें कि उसकी डिलीवरी किन दिनों में होने वाली है। और अगर आपको डेट याद नहीं है, डेट आपको पता ही नहीं है, भूल चुके हैं कि किस डेट को कैट आपकी मेट हुई थी, तो फिर उसका हल ये होता है कि आपने ना अपनी कैट को जब डिलीवरी होने वाली होती है ना, तो कैट कुछ ऐसी हरकतें करती है जो आपको पता चल जाता है कि हाँ अभी आज इसकी डिलीवरी हो जाएगी। आप हमारे डिलीवरी व्लॉग्स देखेंगे, आपको पता चलेगा कि हमारी कैट्स पहले क्या कर रही होती है, वो आपके पास आ जाती है, आपसे प्यार करती है। आप देखेंगे कैट ना छुपने की कोशिश कर रही होती है, तब कुछ ज्यादा ही आपके साथ अटैच हो रही होती है, बोल ज्यादा रही होती है, और पेट कुछ ज्यादा ही बड़ा और लट हो जाता है, फूल जाता है और लटकने लग जाता है, पता चल जाता है कि बस इसकी आजकल। अच्छा, मेरे दोस्त के पास भी ना काफी सारी कैट्स हैं, उसके साथ भी ऐसा हुआ था, उसके जो कैट्स है ना वो छोड़ के चला गया था घर में, अपनी जो मदर थी जिसके बच्चे होने वाले थे, अब वो बाहर था तो उसके बच्चे हो गए कैट्स के, 3-4 बच्चे हुए थे उसकी कैट्स के, 4 या आई थिंक 5 हुए थे। तो जब वो वापस आया घर, उसने देखा तो 2 बच्चों का ना नीचे से टांगे बिल्कुल खाई हुई थी उसके मेल कैट ने। तो इस तरह खा लेती हैं कैट, वो गोश्त, जहरी सी बात है, वो गोश्त का लोथड़ा समझते हैं उसे, उस पर ब्लड भी लगा होता है। तो जब भी आपकी कैट के बेबी होने वाले हों, डिलीवर करने वाली हो, तो उसे आप सबसे बेहतरीन हल यही है बाकी कैट से उसे अलग कर दें। और आपने उस कैट, मदर कैट पे भी आपने ध्यान रखना है, उसके पास बैठ के उसकी डिलीवरी करवानी है कि वो प्लेसेंटा भी उस रिमूव करे और वो खा ले। वो प्लेसेंटा के साथ अगर ना कुछ कैट्स ऐसी भी होती हैं, वो खा जाती हैं। आपने बच्चे को ना खुद ही कोशिश करें टिश्यू लेके ना बच्चे को ड्राई कर दें, जैसे हमारी मिस मैगी है। हाँ, उसके हम रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि मिस मैगी को अकल नहीं है, उसे अकल नहीं है, वो तो अपना बच्चा भी खा जाएगी। मैं तो अपनी सारी कैट्स, मेरी जब डिलीवरी हो रही होती है ना, तो मैं उनके साथ ही बैठी रहती हूँ। सिर्फ आपने ये ख्याल ना 1-2 दिन रखना होता है जब फ्रेश बेबी पैदा होता है, उसके बाद इतनी टेंशन नहीं होती है। लेकिन फिर भी जब मेरे बच्चे होते हैं ना, मतलब मेरी कैट्स के बच्चे जब होते हैं, आपको पता है कि मेरी कैट्स ना एक कमरे में सारे रहते हैं। अब जोए के बेबीज होने वाले हैं, जब जोए की डिलीवरी होगी तो जोए को मैं बाकी बच्चों से अलग करके अपने पास ले आऊँगी, और फिर जब तक उसके बेबीज की आंखें नहीं खुल जाती, वो 15-20 दिन के नहीं हो जाते, तो जोए हमारे पास बाहर ही रहेगी। अच्छा, डिलीवरी से 1-2 दिन पहले कैट ना बिल्कुल खाना पीना छोड़ देती है, पीती है, खाना पीना खाती है, लेकिन बहुत कम कर देती है, थोड़ा सा खाती है, छोड़ देती है, स्ट्रेस में रह रही है, स्ट्रेस में रहती है, उसका पेट ना बहुत ज्यादा जिस तरह जमीन के साथ लटक रहा होता है ना, उस तरह की आराम आराम से कैट नीचे बैठती है, उठती है, तो इस तरह से आपको ना पता चल जाता है कि कैट की डिलीवरी होने वाली है। सबसे बेहतरीन हल तो यही है कि उसकी अपडेट याद रखें, वो रख लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। 65 डेज पे वो डिलीवर, 60 से 65 डेज के दरमियान डिलीवर कर दी, अगर इसे ऊपर चली जाए तो फिर वो ख़तरे वाली बात होती है, फिर आप अपने डॉक्टर के पास लाजमी उसे चेकअप के लिए लेके जाएं, क्योंकि बेबी भी डेथ भी हो सकती है इसके बेबी के पेट में। तो हमारे साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए हम अपने साथ अपना जो है ना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें। हैज़ल किसी तरह हुए थे, बेबी इसके डेथ हो गई थी उसकी डिलीवरी के दौरान, उसके बच्चे जो थे कुछ पेट में रह गए थे और कुछ जो वो एक्सपायर थे, और साशा के साथ भी यही हुआ था, मिस पे करवाना पड़ गया था दोनों को। ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारे पास डॉक्टर हैं यहाँ पे जो ऑपरेट कर देते हैं, अगर ना होते सिटीज में डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते और अगर, बड़े परेशान नहीं होते, अगर ना होते तो उनकी कंडीशन ही ऐसी थी कि उन्होंने सर्वाइव ही नहीं करना था। सही बात है, ये तो डॉक्टर थे, अल्लाह तआला का है हम पे, ये भी एक बहुत बड़ा एहसान है कि हमें हमारी कैट्स, हम उस शहर में रहते हैं जहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास। लेकिन बात तुम्हें कितने मैसेज आते हैं इंस्टा पे कि लोग पूछ रहे होते हैं कि हमें आप बताएं हम क्या करें। हम बहुत सारे लोगों की हेल्प भी करते हैं जिनकी नहीं कर सकते, मौजरत हमें नहीं पता चलता, हमारी अपनी भी बिजी लाइफ है। इश्यूज ऐसे होते हैं कैट्स के जो आपको डॉक्टर के पास हर हाल में जाना ही पड़ता है, चेकअप करवाना ही पड़ता है। अब अक्सर लोग हमें कह रहे होते हैं कि हमारी कैट कुछ खा नहीं रही है, आप हमें बता दें हम उसको कौन सा सीरप दें। तो देखें, मेरी बात सुने, कैट किसी भी वजह से हो सकता है ना खा रही हो, कोई एक वजह तो नहीं होती ना। अब यहाँ पे बैठ के हम आपको कैसे बताएं कि किस वजह से नहीं खा रही, उसके 100 सिम्टम्स होंगे, वो आपने खुद देखने कि क्या हुआ था, कहीं उसके कानों में इन्फेक्शन तो नहीं, कहीं फीवर तो नहीं है, कहीं उसको कहीं चोट तो नहीं लगी जो आपको पता नहीं चल रहा, या उसके पेट में गैस हो रहा है, या उसको डायरिया है, या उसको कॉन्स्टिपेशन है, ये चीजें आपने देखनी होती है। अच्छा, कैट्स को फीवर भी तब भी होता है जब उसमें ना कोई उसकी बॉडी में प्रॉब्लम होती है, उसे कोई ना कोई इन्फेक्शन होता है, वैसे इन्फेक्शन के बगैर जो है वो बुखार हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर माइट्स है उसके कान में तो फिर भी उसे फीवर होगा, अगर पेट में कोई प्रॉब्लम है तो फिर भी फीवर होगा। फीवर जो है ना वो इन्फेक्शन बॉडी में हो तो फीवर होता है कैट को। मफिन,
हम लोग बाइक जा रहे हैं आपने जाने जाने पर इधर आओ जरा मफिन हम जा रहे हैं आप जाओगे दादा बाहर जाने दादा अच्छा जी आपका किसी का मैसेज आया हुआ था आप इसे दादा क्यों बुलाते हैं मैं दादा इसे इसलिए बुलाता हूँ अब इंडिया में बड़े भाई को दादा बोला जाता है ना तो दादा इसे प्यार से बुलाता हूँ मुझे बड़ा प्यार आता है स्पेशली इसे दादा कहता हूँ वो देखिए आपको नजर आ रही होगी बिरयानी नजर आ रही होगी वो पीछे बैठी है चलो मफिन चलो जाओ 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 मफिन दादा दादा चले जाओ खोलना नहीं बात जानी है अच्छा जी दादा जो है दादे का दिल कर रहा है बाहर जाने का ना मैं इसे बाहर लेके जाता हूँ और इसे बाइक राइड पे ना बाइक राइड करवाता हूँ बिरयानी बाहर आने की आदत नहीं है इतना डरा हुआ है क्यों हो गया बेटे मामा के पास हूँ इतना डरने की मामू खां ओ तुम्हारे दो लाडले भी आ गए नो तेरे कपड़े गंदे करोगे आप तो ओए लड्डू एक इन एक का नाम लड्डू रख दो मेरे के सवैया चलो जाओ जाओ देखो मेरे कपड़े दांतों से नोच रहा है ये लड़का फाड़ेगा ओए लड्डू अच्छा ये रात को ना हम 2 घंटे की वॉक पे गए हैं और ये हमारे सुनो अच्छा रात को हम आधे घंटे की वॉक पे गए हैं और ये लड्डू और सवैया हमारे साथ फिरते हमारे साथ साथ चल दे रहे हैं माँ की तरह देखो डर रहा है ओए मामू खां बिल्कुल मम्मा जैसे हो कैसे तो बच्चा तो नहीं है छत पे पता नहीं बर्ड है या कोई इंसान है क्यों लू लियो क्यों लू लियो जिगी इतना क्यों रो रहे हो जी अभी हम वॉक के लिए आए हैं बाहर तो आज कितने घंटे की वॉक करनी है कितने घंटे की आप 1 घंटे की कर सकते हैं नहीं 10 मिनट आधे घंटे की तो कर ही सकता हूँ है ना आधे घंटे की हो जाएगी और अभी हमारे पास है हमारा प्यारा बेबी जिगी और दो बेबी पीछे मैं बुलाता हूँ उन्हें नहीं मत बुलाओ वो मेरे कपड़े इतने चलो दो मैं इनको अंदर इसको अंदर छोड़ रहा हूँ दो चले जी हम वॉक करते हैं हम इसको अंदर छोड़ के आते हैं और ये देखें हमारे दो पपीस कल ना इन्होंने पता क्या किया हमने ना इतनी लंबी वॉक की है कल और ये बेचारे छोटे छोटे हमारे साथ वॉक करते रहे थक टूट गए होंगे बेचारे हाँ इनकी टांगे तो अकड़ गई होंगी बेचारे बोल नहीं सकते ना बता नहीं सकते चले दीदी वो बंदे चले जाए अच्छा तो हम लोग वॉक करने के लिए जा रहे थे लेकिन हम फिर वॉक करने के बजाय हम मामा के घर चले गए और डिनर फिर मामा ने ही करवा दिया हमें मामा ने राइस बना लिए थे तो वहीं से खा के आए हैं और रास्ते में मैं वापस आते हुए अपने लिए मैं लेकर आई हूँ जी ये पेस्ट्री दिल्ली की मुझे पेस्ट्री बहुत अच्छी लगती है तो अभी मैं ये खाऊँगी जी अस्सलाम वालेकुम आप में से कोई कह रहा था कि आपने इतने दिन से स्कूबी को नहीं दिखाया तो मैं आपको स्कूबी को दिखाता हूँ आप हमारे टिकटॉक के अकाउंट को भी फॉलो कर लिया करें और यूट्यूब के अकाउंट को भी फॉलो कर लिया करें आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलेंगी और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना ना भूलिएगा मैं आपको स्कूबी को दिखाता हूँ कि स्कूबी क्या कर रहा है और बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं ये देखें जी बच्चे सारे खाना खा रहे हैं और स्कूबी की तरह ये जी मैक्स साहिब हैं मैक्स साहब नहीं कौन नहीं ये तो साशा है ये माशाल्लाह से साशा है और ये जी बग्गी है बग्गी भाग रहे थे मुझे कहीं अंदर ना बंद कर दिया जाए बग्गी जी अच्छा जी हम अब स्कूबी ये देखें ये रहा स्कूबी स्कूबी इधर आओ इधर आओ बेटा इधर आओ
ये लो अपनी शक्ल दिखाओ ना, अपनी शक्ल आपको के देखना चाह रहा था। अपनी शक्ल दिखाओ ये देखें जी, खूबी मेरे पास बैठे हैं और मुझे कुछ कह रहा है मेरा तो खूबी। इधर क्या कह रहा है? क्या चाहिए? खाना चाहिए ये किसी से? वहाँ पे वो देखो, ये देखें जी, दूसरे बच्चों का खाना खाया जा रहा है। मैं गंदे बच्चे, मैं अपना खा के दूसरों को खाते हो? वो कौन ऊपर भाग गया? बिनते बिनी अब ऊपर भाग गई हो? नीचे उतरो, शाबाश। अब तो ये नहीं नीचे उतरती, अब तो ये ऊपर ही रहेगी। हाँ जी, यहाँ पे कुकिंग हो रही है, हांडी पक रही है और ये नीचे रो रही हैं। हालांकि इन्होंने अपना खाना खा लिया है, उसके बावजूद भी बिल्लियों की ना एक हिर्स होती है, इनको हमेशा जो है भूख ही लगी रहती है, चाहे जितना मर्जी खा लें, इनका पेट भरा भी हो। इन्होंने बस कहना हमें खिलाते रहो, खाना देते रहो 24 घंटे। वो देखें अपना खाना खा लिया है, इनको हमारे खाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि ये क्या खाते हैं, ये क्या पकाते हैं, इनको इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट होता है। अब ये देखें उस छोटी बच्ची का खा रहा है। जाओ अपना खा के, जिस तरह ना इंसान नहीं अपना खा के दूसरों के खाने पे नज़र रखता, इसी तरह कैट्स भी होती हैं, अपना खाना खा लेती हैं फिर दूसरों के खाने पे नज़र रखती हैं। ये सेम हमारा मैक्स तो आई। अब देखो तुम पानी ले के आई हो, तुम्हारे पानी पर नज़र है। ये है देखो, दे दो। ये लो पियो, आपने मेरा पानी। अच्छा ये अभी खेंचेगा मैक्स, खेंचेगा, कुछ डालोगे तो खेंचेगा। ये डालते हैं थोड़े सा खाना और ना, चलो अब इसको पी, चलो क्या, चलो अभी देखें, अभी मैक्स खेंचेगा बाउल को, ये भी उठा लेते हैं, देखते हैं खींचता कि नहीं। अरे चलो देख के खींच लिया, मैंने कहा तो ना खींचेगा। तो बुई इतनी परेशानी क्यों है? तो बुई को एक्शन तो देखो खाने के बाद। टाइगर लेट गया हमारा टाइगर। अच्छा किसी ने पूछा क्या आपने इतने दिन से फ्लोरा को नहीं दिखाया? हम रोज तो फ्लोरा को दिखाते हैं, लगता है वो उसको ब्राउनी समझते हैं, आप छोटी ब्राउनी क्यों कहते हो? हम रोज तो फ्लोरा को दिखाते हैं। क्या हुआ? साशा को दिखाओ, कहाँ से कहाँ छुप कर बैठी है आपसे? किधर? वॉशरूम में। अभी मैंने लाइट ऑन की है तो मैडम को देखो कहाँ है। वेरी गुड, इधर छुप के बैठी हो। मैं तो समझ रहा हूँ सब अंदर चले गए। अब जब मैं सबको बिस्किट्स खिलाता तो साशा मैडम भी उठ के आ जाती ना बिस्किट्स खाने, मुझे पता ही ना चलता कि साशा ने खाए हैं कि नहीं। हम लोग फिर यहीं पर एंड करते हैं, इंशाल्लाह हम कल की वीडियो में मिलेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।